नमस्ते स्टूडेंट्स, खुश रहो। वीडियो आई जेबी डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स इंजीनियरिंग जयपुर, क्लिनिकल कंसल्टेंट इन सूर्यांश आरोग्य शाला ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स इंजीनियरिंग हॉस्पिटल जयपुर। In previous class, we discussed about Shastra introduction and Shastra ke 20 prakar. Then we discussed about Shastra sampradaya, Shastra ke gun, then we discussed about the Shastra karma. Then we discussed about मंडलाग्र शस्त्र। लेट्स बिगिन टुडे फ्रॉम करपत्र। करपत्र आधुनिक मतलब आधुनिक मतलब अनुसार करपत्र को बोन कटर भी बोला जाता है। करपत्रम इति करवती है पत्रम ऐसे तत्व करपत्रम यथा करो अंगुली विराजितो भवति तद्वयत कंठके राजितम स्यात् करपत्रम उच्यते। ऑर्डर हाथ की उंगली के समान टेढ़ा मेढ़ा आकार होने वाला शस्त्र करपत्र कहलाता है। छेद नाम करपत्रम सुकरधारम दशांगुलम विस्तारे दंगुलम सूक्ष्मदंतम सुस्त्रुबंधनम सूक्ष्मदंत सूक्ष्मदंत मधुमत निगरण करपत्र के लंबे भाग बटन दशांगुल बताइए। गला वृद्धिपत्रम सचरीरम एकम अंचितम द्वितीय पृथकरम द्वे
ஜீவித்தவன் பெரிய தவிரம் ஜீவித்தன் சத்தம் கலவித்தவன் வர்தியை நாம் வர்தியை நாமக சந்தசத்திகே மன சத்திய புத்திர சதசி முக்கு சத்ர விருதி பத்திர அதிகமத்தனுசார் போல ஜத்த दो प्रकार बताएं शस्ताग्र और प्रेताग्र तवगत दूरियां नष्ट करने के लिए तो दूरियां नष्ट करने के लिए शस्ताग्र और शस्त्र का प्रयोग उपयोग करते हैं सोप तथा गम विभाग में और इस प्रकार के शस्त्र गम का प्रयोग करते हैं रास्ते के अनुसार भूषण जिस स्थान दीर्घ दृश्य सर्व के शस्त्र का उपयोग करते हैं उपयोग क्षेत्र में विभिन्न पाठन करने के लिए उपयोग किया जाता है नक्षस्त्र न का नाम छेदना छेदना शस्त्र नक्षस्त्र कश्चन फलम द्वयांगुलयां एकांगुलिस्त्रम दलन नक्षस्त्र में दोनों तरफ मुख होता है उसके एक ओर सीधी धार होती है दूसरी तरफ दूसरी ओर वक्राकार धार होती है आधुनिक मत्स्य होता है अनुसार नेल नेल फेरर को नक्षस्त्र बोला जाता है निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अब मुद्रिका अगर मंगला व्रत के सदस्य दिखने वाला तो मुद्रिका बद्ध उंगुली के पर में संभव प्रकार से स्थापित होने वाला जो उंगली लंबाई होने वाले थोड़े शस्त्र होते हैं खरीदने के अग्र पर भाग में सम्यक प्रकार से स्थापित हो सके ऐसी मुद्रिका अंगूठी उसके मुख्य के सम्यक बैठा है और मुद्रिका स्थिर है नई दृष्टि से सुतरी साथ दृढ़ता से बांधे इसकी लंबाई अर्धांगुल होती है इसका आकार व्याधिया स्थानानुरूप होता है कमल के पत्ते के सदस्य दिखने वाले छेदन वेदन के उपयोग करते हैं तीन अंगुल होता है वर्दी पत्र के समान छेदन वेदन के लिए इसका उपयोग करते हैं और ज्यादा அர்தாரம் பிரசித்தம் உசி அங்குல விஸ்தாரம் துவயங்குலம் பலம் உற்பல்ல அர்தாரேதன வேதனை So student, this session is powered by digital.
system, this session is powered, is delivered, and open to the VIDYAPEETH one university, Jaipur. We are satisfied with this digital session. If you have any doubt, you can please mention comments. I have your listen. Thank you, sir. I, JVM, Dr. Naranjan Sekhar, Assistant of the Department of Salam. Secretary of Eric Sang, Jyoti VIDYAPEETH one university, Jaipur. In today's class, we discussed about discussed about इलेक्शन होते हैं का पाक सत्तर होता है और इसका सेवन करने पर दिल प्लस जल के बन जाए सदस्य होता है लाल सदस्य पांडु शीत स्तब्ध अल्प वेदना चीरो उत्थान प्रपागत सेकंड उसका पति रही है कप जी करती है का आकार शराब के समान होता है पांडव अनर्था शीत होता है धीरे धीरे फैलने वाला तथा पाक होने वाला मंद वेदना करने लक्षणों से युक्त होता है सुश्रुत के अनुसार इसका वेदन करने पर पांडव ने शराब बताया तरका अनुसार शराब गाड़े पिछले बोल मानता होता सन्निपात जीवित नाना वर्ण अरुज शराब पाटलोग विष्णु महान किसम पच्चते चापी इस प्रकार के जिसका विषम काल सब उत्पन्न होता है वेदन करने से इस प्रकार का सब होता है सामान्य के शुद्ध दिख का काल पड़ा है सब उत्पन्न होता है बोलने के जो दोनों के प्रमाण दर्द तो कर सके जिस के लिए उसकी होती है पता जो आगे जो जल्दी बच्चे से विनय क्षतोक्ष्मणा वायु विस्तृत है रक्तम पीतम ईर्य जरतष्णा जदास जायते तस्य देहिने एव विद्रधि रागास्तु पित्त विद्रधि लक्षण सपतन गुड़ के कारण उत्पन्न वर्णों में तो वर्णित के द्वारा पत्र सेवन करने पर वायु का मार्ग का अवरोध होता था आघात के कारण कार्य धातु के क्षय वात प्रकोप होता है तो प्रकृत वात के कारण रक्त की दृष्टि निर्माण होकर सतत विद्युत की उत्पन्न होती है अजय पित्त जय रक्त विद्युत के समान लक्षण होते हैं जैसे जर तस्ना दाय लक्षण तीव्र स्वरूप के होते हैं दाय वागुण से रक्त विद्युत के उपदेश से अधिक प्रमाण होते हैं अब सतजी आगंतु बच्चों की दृष्टि सतजी आगंतु विद्युत के कारण उत्पन्न वर्ण में वर्णित के द्वारा पत्य सेवन करण वायु का मार्ग अवरोध होता है तथा आघात के कारण धातु का क्षय होकर बात प्रकोप होता है प्रकृत बात के कारण रक्त की दृष्टि निर्माण होकर सतत विद्युत की उत्पन्न होती है रक्त वृद्धि के समान लक्षण होते हैं विशेष तरह ज्वर तृष्णा दाह ये लक्षण अधिक तीव्र स्वरूप होते हैं तथा भागवत के अनुसार सतत विद्युत के उपद्रव इससे भी अधिक प्रमाण में होते हैं यहाँ पांच प्रकार के विद्रोहियों के लक्षण बताए गए हैं अंतिम विद्रोही रक्त विद्रोही का लक्षण अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे तो इस
everyone, this session is powered by digital version 2.0 JAYOTI VIDYAPEETH 1.0. I hope you are satisfied with this digital session. Doubts and queries, please mention in comments. So I will resolve it soon.